दोस्तों बिग बॉस के इस हफ्ते का वोटिंग ट्रेंड सामने आ चुका है। हम लोग देख रहे हैं कौन जा रहा है ऊपर, कौन जा रहा है नीचे, कौन जा रहा है आगे, कौन जा रहा है पीछे। दोस्तों इस बार बिग बॉस के घर में चार लोग हुए नॉमिनेट, शालिन भनोत, टीना दत्ता, गौतम विज और सौंदर्या शर्मा। दोस्तों इन चारों में कौन जा रहा है पीछे सबसे, वो पहले बात करते थे। दोस्तों चार नंबर से शुरू करते हैं। चार नंबर पे है सौंदर्या शर्मा। जी हाँ दोस्तों, सौंदर्या शर्मा को उतना घर में कंटेंट ऐसे ही नहीं मिल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से वो बेफिजूल की लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जहाँ पर करना है वो भी कर रहा है, जहाँ पर नहीं करना है वो भी कर रहा है। तो सौंदर्या शर्मा इस बार चौथे नंबर पे है और उन्हें मिल रहा है सिर्फ 10% वोट। दोस्तों इसके बाद आते हैं गौतम विज। गौतम विज भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है घर पे, अपना अलग सा झुंड बना लिया है जहाँ पर सौंदर्या और वही है। हाँ हालांकि प्रियंका के साथ भी वो झुंड बना चुके थे, लेकिन वो फेक था, वो दिख ही रहा है। और गौतम विज का उतना जलवा भी हम नहीं देख पा रहे हैं। तो गौतम विज है तीसरे नंबर पे और उन्हें मिल रहा है सिर्फ 15% वोट। जी हाँ दोस्तों, और बाकी के वोट वो बाकी दोनों में स्प्लिट हो रहे हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पे है टीना दत्ता। टीना दत्ता को इस बार वोट मिल रहा है ज्यादा, कारण वे लोग आ गए हैं शिव साजिद खान और एमसी स्टैन के ग्रुप में। टीना दत्ता को मिल रहा है 32% वोट, यानी 32%। और बाकी वोट मिल रहा है जो पहले नंबर पे है और वो है शालिन भनोत। जी हाँ दोस्तों, शालिन भनोत को इस बार मिल रहा है 43% वोट, क्योंकि वे लोग दूसरे ग्रुप के बहुत पास है और शालिन भनोत को बच्चा बच्चा लग रहा है, कभी कभार फेक भी लग रहा है, मतलब उनको लग रहा है कि गेम में कुछ दे रहे हैं। तो दोस्तों ये है वोटिंग ट्रेंड्स। हाँ हालांकि यहाँ पर चेंज हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा चेंज नहीं होने वाला है। हाँ सौंदर्या और गौतम विज में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वे दोनों ही है बॉटम टू में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार घर से बेघर कौन होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। दोस्तों मुझे इंतजार का दोस्तों आपको कमेंट का।